वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जस्ट अभी सो के उठे हैं, देखो मेरे बगल का सीन देख लो, पहले एक और रेस्टरूम है बगल में। सो जस्ट अभी भी एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है। सो बाय द वे ये है पूरा। वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। मैं भी बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इस मजेदार फ्रेश व्लॉग में और एक नए व्लॉग की शुरुआत है दिन एक फ्रेश डे के साथ। यहाँ पे फाइनली हम रुके हुए थे अभी तक, और अभी जस्ट मैंने बगल में एक रेस्ट रूम है इधर ही, ये डायरेक्ट हाईवे ही है नागपुर का, ओयो स्पेस इन नाम है इसका। बाय द वे रूम वगैरह सब सही था, कोऑर्डिनेशन भी सबका अच्छा था, बातचीत तो सर्विस वगैरह भी इनकी अच्छी थी। और बाय द वे अभी देखो ऐसा जस्ट मॉर्निंग हुई है 6:30 बजे भाई, रात में व्लॉग शेड्यूल करके सो गया और फिर पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। ऐसा नहीं होता है कि एक बार ब्लिंक करी और सुबह, ऐसा वाला सीन हुआ था मेरे साथ अभी तो। और भाई ये देखो एड्रेस, जिसको जो यहाँ का होगा समझ जाएगा भाई। तो ऐसा सीन है पूरा, सब लोग यार, लेकिन ये नागपुर लगता तो महाराष्ट्र में है, बल्कि MH33 नागपुर। आज देखेंगे, आज गाइस अभी यहाँ से 500 किलोमीटर तो हैदराबाद है, फिर 500 से आज भी 800-900 किलोमीटर जर्नी, क्योंकि अब हमारे पास कितना बचा है, 800 निकल गया है, अब हमारी बची होगी बहुत ज़्यादा 1100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की जर्नी बची होगी। 1000 में 500 तो हैदराबाद ही है, 500 के अलावा हैदराबाद क्रॉस करने के बाद एक्सप्लोर करते करते निकल आए थे आगे, और पीछे जो है वही है। बाकी ये है मेन रोड नागपुर की, मानिकपुर चौक है, वहीं से रिंग रोड है ये, जो कि इधर सागर से आती है। सागर जगह का नाम है गाइस, कोई समुद्र वगैरह नहीं है, तो सागर समझ लेना ठीक है। और निकल आए थे यार ऐसे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाती और दूसरी चीज़ एक बार को कुछ एक्सप्लोर भी कर लेते अब। और भाई जब मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, जैसे यूपी वगैरह में भी करते हैं, बट यूपी में अभी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं यार ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पे अगर नहीं भी है ना तो भी लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जैसे कि देख रहे हो गाइस, अभी हम ना नहाए हैं ना धोए हैं, ऐसे ही बन के चले आए हैं, और ये है प्रॉपर सीन है, दिख रहा हो। सो बाय द वे MH33 नहीं भाई, MH49 है ये नागपुर। अभी देखा वो कोई दूसरे MH की कार है, 33 कहीं और का होगा, ये है पर्टिकुलर 49 यहाँ पे। और बाय द वे सुबह सुबह यहाँ पे चलने में बहुत एक अच्छा सा लग रहा है यार, काफ़ी सेटिस्फैक्शन आ रहा है। ओ भाई साहब ये देखो घर कितना जोरदार बना है, यही सब तो सिस्टम है गाइस। देखो नागपुर की सड़कें देखिए, अभी तो गाइस ऐसे टाइम है और देखते हैं यार क्या है। अब दिख रहा कायदे से, ये देखो इन्हें देख कर गाइस, कल से एक गाना बहुत अच्छा याद आ रहा है, शायद लास्ट व्लॉग में नहीं आया होगा यार, कॉपीराइट की वजह से हटा दिया था मैंने। ओके कोई बात नहीं भाई, इन देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है। बढ़िया सोलर पैनल्स का वो पूरा जुगाड़ बैठा रखा है इन लोगों ने, विच इज़ अ वेरी गुड साइड। और अब चलते हैं अंदर, बैग निकालते हैं और वापस से चल के नहा धो के निकलते हैं यहाँ से। और अभी तक आप लोगों ने क्लिप नहीं देखी होगी, वो मैं सो के उठा था, मैंने ऐसे बिना बोले रिकॉर्ड कर ली थी। नेक्स्ट में देखोगे आप, ये रही हमारी कार, इधर इसको गीले कपड़े से पोंछ भी देंगे।
और ताकि और साफ हो जाए। ये रहा हमारा बैग। चलो भाई हो गए रेडी वेडी, तैयार हो गए, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं, निकलते हैं और मिलते हैं अब कार में। निकल के आ चुके हैं यहाँ पे और अभी करेंटली हम लोग हैं तेलंगाना में, हैदराबाद थोड़ी दूर बचा होगा, 200 किलोमीटर करीब हैदराबाद बचा है। और भाई लगातार नागपुर से अभी तक हम लोग 350 किलोमीटर आ चुके हैं और समय तेलंगाना में है करेंटली। और ये जो पीछे हाईवे देख रहे हो गाइस आप लोग, ये है NH 44, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे, जानते हो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, सबसे इंडिया का पूरा सबसे लंबा बड़ा हाईवे। जब ये है चाय पीने के लिए बैठे ही अभी तक, देखते हैं आगे क्या करना है। और भाई देखो यहाँ का सिस्टम पूरा है, दो कूलर लगे हैं, बड़ी बड़ी खटिया पड़ी हैं, ऐसा पूरा सिस्टम है। उधर उधर तो लोग नहा भी रहे हैं धूप में, और ये खड़ी पीछे गाड़ी धूप में, वो हाईवे है। बाइक का कमर टेढ़ी होके बैठे बैठे अब देखते हैं कितनी देर और बैठना है, कोशिश करेंगे कि आज ही बेंगलोर पहुँच जाए। वैसे तो थोड़ा सा टफ है क्योंकि गाइस अभी भी 700-800-900 किलोमीटर बचेगा हम लोग का बेंगलोर, बट ये है कि ट्राई करके देखेंगे, अगर हो जाएगा तो आज ही पहुँच जाएंगे। करेंटली है तेलंगाना में, TS वाला सीन नहीं समझ आया, तेलंगाना का TS क्यों बोलते हैं? तीन मम्मी बता, एक बच्चा रखते हैं तेलंगाना स्टेट में TS क्यों आता है? तेलंगाना स्टेट ओ माय गॉड, यस आई विल स्टार्ट चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे
120 तो जला रहा, 100 150 जला रहा, 120 तो लिमिट है, जलाओ 150 है ना। बाय द वे यहाँ के रुके हैं गाइस, अभी अभी रुके हैं, सो गए थे हम तो। बाय द वे एक्चुअली है क्या, उसके बाद से फिर थोड़ी देर चाय पीने रुके, फिर ये हो रहा था कि क्या ही रुकेंगे, बैंगलोर भी आज ही निकलते हैं। और इस समय हम लोग हैं रास्ते में, रात हो गई है तो शूट नहीं किया कुछ, अभी इसीलिए शूट कर रहे हैं कि जितना शूट कर ले रहे हैं ना, फिर घर चल के पूरा प्रॉपर एंड करेंगे ब्लॉग को। अराउंड 200-250 किलोमीटर बचा होगा, उसके बाद फिर ब्लॉग पहुंच जाएंगे हम लोग बैंगलोर अपने डेस्टिनेशन में। सो बाइक पे जाइए, बाकी देख लीजिए हाईवे, यही है फूड कोर्ट यहाँ से। क्या हो रहा है, ये देखो गाइस, यहाँ पे सब ऐसे कन्नड़ में लिखा रहता है, कन्नड़ इज अ लैंग्वेज। तो भाई तो खाना वाना खा के हो गए फिट, और अब जा रहे हैं वापस से बैठे हैं। ले लिया, चलो आगे बैठो, पीछे बैठेंगे हम। ओ भाई साहब, अब बारी है लेटने की अपने। ये है भाई, खा लिए खाने वाना भाई, जितने भी स्टेट सिटी हैं यहाँ पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब आगे बैठ रहे हो आगे, सब में अल्ली जुड़ा है, सबकी स्पेलिंग में लास्ट में ALLI जरूर आता है, या अगर वो नहीं होगा तो फिर रेडी लगा होगा भाई, बड़ा सा अलग सा है। और तेलंगाना तो सबसे बेस्ट था भाई, अब तो ख़त्म हो गया, आंध्र प्रदेश आ गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है आंध्र प्रदेश भी, दोबारा चालू हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटका। बाकी जस्ट खाना खाने रुके थे ये शेरे पंजाब ढाबा में, नो डाउट बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भी दिया। देर में पीछे भाई अभी भी NH 44 है, जो कि पूरा कन्याकुमारी तक जाता है श्रीनगर से। हम लोग अराउंड किस कहाँ पे, नागपुर के आगे ज्वाइन हुए थे इसमें, और अभी तक यही कंटिन्यू कर रहा है। शायद ही किसी ने करी होगी इतनी, आई थिंक यूट्यूब पे एक दिन में करी तो होंगी, बट कहाँ, नागपुर से डायरेक्टली बैंगलोर हम लोग ने करी है विद 1050 प्लस किलोमीटर्स, समझ रहे हो। और पहले ये था कि कुरनूल के पास एक जगह रेस्ट ले लेंगे, बट फिर ये हुआ कि जब तक रेस्ट लेंगे 200 किलोमीटर बचेगा, तो रात भर सोना है तो इससे अच्छा है चलो। तो गाइस यही सोच के हम लोग निकल लिए थे, और 3 बज गए, आ गए बैंगलोर, रीच नहीं तो घर में प्रॉपरली। एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा दिया आपको,
बाकी पूरा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अभी तो आ रही नींद बहुत ज़्यादा, जस्ट व्लॉग एडिट करके शेड्यूल करके सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे देर से आराम से। ड्राइव करने के बाद गाइस पोजीशन तो ऐसी है कि अब रेस्ट चाहिए। आज हम लोग ने करी है अराउंड कितने घंटे करी होगी, 17 सुबह 8 बजे निकले थे, 3 बजे पहुँचे, ऐसे ही हो गए 17-18 घंटे। तो इसमें हम लोगों ने भाई जैसे कि बताए 1000+ किलोमीटर चला दिए थे एक दिन में। दूसरी चीज़ भाई पंच मैंने नो डाउट यार, एक बार को तो डाउट था बट अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए भाई। टाटा पंच में भाई पावर है भाई, सही सेगमेंट में मिनी एसयूवी उसको सही बोलते हैं और उसके काम से सही है, सही चीज़ है, उसे क्यों बोलते हैं आज समझ आए भाई। और गाइस उसका अगर परफॉर्मेंस और एवरेज की बात है तो एवरेज भी हमको अप्रॉक्स 17-18 की मिली है ऑन हाईवे विद एसी, शुरू से लेकर एंडिंग तक एसी में रहे हैं तो एसी का ये माइलेज पता है अराउंड 17 से 18, कभी बार तो 18.5 भी दिया उसने। ठीक है वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेस वेज है कि हाईवेज है। और बाय द वे NH44 तो गाइस यहाँ घर तक आया है, यहाँ पे आके थोड़ा हम लोगों ने लीव किया है, समझ रहे हो ना भाई। NH44 तो नागपुर में जुड़ रहे थे और यहाँ तक नागपुर चल ही रहा है। और भाई देखा जाए तो भाई लास्ट ब्लॉक था कल का, यानी भाई 24 दिन 48 भाई हम लोगों ने 52 आवर्स में कानपुर से बेंगलोर किया है यार। अब सोच के थोड़ा लगता है यार, हाँ यार क्या कर दिया, बट ठीक है कुछ नए चीज़ ट्राई करी, नई चीज़ में अच्छा लगा। ठीक है सो बाय द वे बस यही है, बाकी एंड करते हैं अब इस व्लॉग को, काफ़ी देर से चल भी रहा है। सो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।